चलिए बेटा ये क्वेश्चन इसलिए डाउट था काफी बच्चों का, क्वेश्चन वन डायमेंशनल मोशन का है। मैंने आपको बोला था कि अगर दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे चल रहे हों वो ओवरटेक कैसे करेंगे या क्रॉस कितने टाइम पे करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना पड़ता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट दो हैं। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। दोनों कार्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, फिनिशिंग पॉइंट भी सेम है, यहां पे खत्म करना दोनों ने, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, फिनिशिंग पॉइंट सेम। जब रेस शुरू होगी तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। उसके बाद कार को दबाना है एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। तो कार ए जो है उसको जो टाइम लगा वो कार बी के टाइम से टी कम था, यानी कहने का मतलब टाइम टेकन बाय बी ज्यादा था ए से। कितना ज्यादा बेटा? टी टाइम ज्यादा। और जब इन्होंने फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस किया, बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन थी ए वन, इसकी एक्सेलरेशन थी ए टू, और जो वी है वो है कि कार ए की, क्योंकि टाइम कम लगा उसको, उसने ज्यादा एक्सेलरेट किया होगा, तो उसकी फिनिशिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी नो डाउट अलग अलग टाइम पे थी। ए पहले क्रॉस कर गया, जब बी यहां से निकला थोड़ी देर बाद यानी टी टाइम के बाद, तब उसकी वेलोसिटी वी भी थी और ए की वेलोसिटी वी बी से ना ज्यादा थी बाय एन अमाउंट इक्वल टू वी। तो पहले बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, सिचुएशन क्या है? क्योंकि दोनों कार्स का हमने रिलेटिव मोशन ही स्टडी करना कि ओवरटेक कब करेंगे क्रॉस कब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट गायब होगा इसमें, बट इसको मैं कंपेयर करूंगा एक और चीज से। आपको याद होगा जब एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं अंडर ग्रेविटी, उसमें भी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और अगर इसको हाइट कवर करनी है h, तो नीचे को आने के लिए क्या शॉर्टकट था, कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है रूट टू एच बाय जी। बहुत अच्छे। और नीचे जस्ट हिट करने से पहले वेलोसिटी क्या होगी? रूट टू एच जी, रूट टू जी एच। बेटा एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ भी है, बस यहाँ पे मोशन नीचे को होने की बजाय इधर को है। इसमें एक्सेलरेशन जी होने की बजाय एक्सेलरेशन ए वन एंड ए टू है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए को कितना टाइम लगा होगा डिस्टेंस अगर ये एस है उसको कवर करने में? यही वाला फॉर्मूला लगाना बेटा, रूट टू एच की जगह एस अपॉन ए वन। कोई डाउट बेटा? और इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की फिनिशिंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? रूट टू एस ए वन। वी ए इक्वल टू रूट टू ए वन इंटू एस रूट टू जी एच। बेटा क्लियर होगा पॉइंट? चलिए बी के लिए सिमिलरली 2s by a2, s तो सेम ही है 2s by a2, एंड b की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? root 2 a2s। बट ध्यान रहे a की एक्सेलरेशन ज्यादा थी इसलिए a को टाइम लगेगा कम, बी की एक्सेलरेशन कम थी यानी वो कम स्पीड धीरे धीरे एक्वायर कर रहा था,
उसको टाइम लगेगा, तो टी बी में से टी ए माइनस करना है, बट वेलोसिटी ए की ज्यादा थी तो वी ए में से वी बी माइनस करना है। और क्वेश्चन हमें पूछा है कि जो डिफरेंस था वी, उसका ए वन ए टू और टाइम के साथ क्या रिलेशन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, इक्वेशन भी समझ आ गई, दोबारा फिर देख लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक्सपोज कर लो, वेलोसिटी ऑफ ए रूट टू जी एच वाला फॉर्मूला ट्वाइस ए वन इंटू एस, एस एम आएगा, टाइम टेकन ए का, ए का टाइम टेकन रूट टू एस बाय ए वन, ये टाइम आ गया, इसका टाइम टेकन बाय ए। कौन सा टाइम बड़ा है दोनों में से, टी टू बड़ा है, कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, वी ए, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डिफरेंस आपको वी गिवन है, डन। और इन दोनों में से कौन सा टाइम बड़ा है, टी टू, टी टू चेक करो जरा, माइनस टी वन इक्वल टू टी, कोई डाउट बेटा। अब हमें आंसर में ए वन दिख रहा है, ए टू दिख रहा है और टी नजर आ रहा है, टू गायब है, ए वन ए टू है, एस भी गायब है, तो एस टू एस टू एस टू एस टू एस का स्क्वायर हर जगह है, क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए ना, उससे टू एस हट जाएगा, डिवाइड करो, डिवाइड करने से देखो बेटा यही आएगा v बाय t, ये v का डिफरेंस आ गया, ये t का डिफरेंस आ गया, 2s का स्क्वायर रूट, 2s स्क्वायर रूट, 2s स्क्वायर रूट सारे कैंसिल कर दो, देखो इतना ही बचेगा, इसका LCM क्या आएगा, रूट ए वन ए टू, इधर क्या जाएगा, रूट ए वन, इधर क्या जाएगा, रूट ए टू, ए वन स्क्वायर रूट माइनस ए टू स्क्वायर रूट, नीचे फिर वही है, दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हुए और ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर इनटू टी, तो आपको वी निकालना था, कौन सा आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन, क्लियर हो गया। जो शॉर्टकट्स हैं वो रूट टू जी एच एंड ट्वाइस एच बाय जी स्क्वायर रूट टाइम के लिए वो लगाने हैं, और उसके बाद टाइम का डिफरेंस ये ध्यान रखना कि टाइम किसका ज्यादा है, ज्यादा वाला आगे लिखना, वी जो है वो वेलोसिटी ए की ज्यादा थी, टाइम टेकन बाय बी ज्यादा है, तो बी का टाइम आगे आएगा, उसके बाद इनको डिवाइड करो, एक्स्ट्रा टर्म्स कैंसिल, क्लियर हो गया।